तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम टैबलू डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने आपको समझाया कि कैसे हम टैबलू को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और स्टूडेंट वर्जन वगैरह कैसे लेंगे, या फिर आपने क्रैक वर्जन लिया है तो क्रैक वर्जन कैसे लेंगे। और हम लोग कैसे टैबलू फंक्शन करता है, कैसे हम टैबलू के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स को क्रिएट करते हैं, आखिर क्या उसकी विजुलाइजेशन टूल्स वगैरह है, क्या विजुलाइज होती है और किस तरीके से इसका हम बेनिफिट्स लेते हैं। आज हम आपके सामने टैबलू सॉफ्टवेयर हम आपके सामने खुला हुआ है, इस टैबलू में हम बताएंगे आपको कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये आपका टैबलू का फर्स्ट विंडो है जो आपको दिख रहा है। इसमें बीच आपको रिसेंट यूज्ड वर्कबुक है, नीचे आपको सैंपल वर्कबुक दिखेगा, साइड में आपके पास कनेक्ट है और इसके बाद में आपका डिस्कवर है, और फाइल डेटा सर्वर तीन मेनू बार आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ डिस्कवर से स्टार्ट करता हूँ। डिस्कवर में क्या है कि टैबू से रिलेटेड अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो गेट स्टार्टिंग, कनेक्टिंग डेटा एंड विजुअल एनालिसिस ऐसे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आप रिसोर्सेज में तो गेट टैबलू प्रीमियम चाहते हैं या ब्लॉग वगैरह, जैसे कि अब जैसे आप सीख रहे हैं तो अगर आप से रिलेटेड आपने अगर इस पर क्लिक किया, क्या बोलते हैं, गेट टैबलू इसमें प्रिंट बिल्डर पे क्लिक किया तो यहाँ पे इससे रिलेटेड आपके सामने ये आ जाता है। एक जहाँ पे आप इसकी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं, इसमें ईमेल आईडी देके स्टार्ट फ्री ट्रायल वगैरह करके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें आता है ब्लॉग। इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी टैबलू की ब्लॉग खुल जाती है, क्योंकि आप इसको सीख रहे हैं तो इसके जो अपडेट्स हैं, इसकी जो न्यूज़ेज हैं, इसके बारे में भी अपडेट होना जरूरी है ना। तो इसके लिए आपके सामने पास जो है ब्लॉग से आप जुड़े रहेंगे तो इस पे पढ़ेंगे टाइम निकाल के, तो आपको यहाँ पे समझ में अच्छी तरीके से आएगा। ठीक है, हाँ सर, तीसरा आपके पास टैबलू में आपका यहाँ आता है फॉरम। फॉरम क्या होता है, ये आप जैसे क्वेश्चन आंसरिंग साइट्स होते हैं, जैसे कि आपको questions.yahoo.com है, बहुत सारे ऐसे फॉरम है जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं या किसी की क्वेश्चंस पे देख सकते हैं कि इसको आंसर मिला है या नहीं मिला है हाँ इसका। ठीक है, हाँ सर, तो ये आपकी डिस्कवर वाले शायद इसमें आपके सामने दिखेगा। ओके, यस सर, उसके बाद यहाँ पे ओपन वर्कबुक, जो रिसेंटली आपने जो वर्कबुक ओपन किया है वो आपका दिखेगा जो आपने किया है, और नीचे आपका सैंपल। देख क्या है कि आपके पास जो है सैंपल वर्कबुक, मतलब कि जैसे कि आप अगर एक्सेल से कंपेयर करें तो एक्सेल में आप पास मिलता था, यहाँ पे मिल रहा है ना सर, हाँ एक्सेल में आपको यहाँ पे बहुत सारे टैंपलेट्स मिलते हैं ना बने बनाए, उसी तरह हाँ आपको टैबलू में भी बने बनाए टैंपलेट्स मिलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट तीन है, अगर मोर टैंपलेट्स पे क्लिक करेंगे तो आप टैबलू की साइट पे चले जाएंगे जहां से इन तीन के अलावा और भी टैंपलेट्स ले सकते हैं, जैसे कि एपीएल ट्रिगर्स, ओवरव्यू, सुपर सैंपल, सुपर स्टोर, इंटरैक्टिव फिजल कैलेंडर, रेस टू लास्का, ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ दिख रहा है ना सर। हाँ सर, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लोड मोर करेंगे तो और भी मिलेंगे आपको ओके ओके यहाँ। ओके, ये हो गया, ये समझ में आ गया आपको। हाँ सर, हम कनेक्ट पे आते हैं। कनेक्ट से पहले आप जो आप फाइल मेनू बार में दिख रहे हैं, जैसे कनेक्ट मतलब कि आप किसी डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका एक्सेल की फाइल्स होती है उसी तरह से इसके आपके टैबलू की भी फाइल्स होती है। तो वो अगर कोई पुराना प्रोजेक्ट को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं, न्यू तो आपका है ही, और यहाँ पे रिसेंटली आपके ओपन जो यहाँ थे वही सेम चीज यहाँ पे आता है, राइट।
बाकी आपका सर्वर है तो आप इसको साइन इन कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं डेटा। देखिए क्या है कि टैब्लू का अपना कोई डेटाबेस नहीं होता है, वो आपके फाइल्स और आपके सर्वर से कनेक्ट होता है और कनेक्ट के बाद आपको रिपोर्ट देता है, राइट सर। तो मोस्टली हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कनेक्ट करते हैं, तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कैसे कनेक्ट करेंगे। एक्सेल से कनेक्ट करने से पहले आप एक बार अपना डेटा खोल के जरूर देख लीजिए एक्सेल में कि आखिर आपका डेटा क्या है। अब मेरे पास यहां पे आपके सामने डेटा है, तो डिफरेंट जो सीट है, कौन सी सीट का डेटा चाहिए, सीट टू का डेटा चाहिए, सीट टू के डेटा में कोई हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए और पहले रो से ही आपकी हेडिंग होनी चाहिए। और डेटा फॉर्मेट में होना, जैसे डेट है तो डेट का ही डेटा होना चाहिए, इसमें कोई टेक्स्ट वेक्स नहीं होना चाहिए। एक बार आपको अपने हिसाब से देख ले, ओके। उसके बाद हम टैबलू पे आते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम लोकेशन पे जाते हैं, अपनी फाइल को सिलेक्ट करते हैं एंड ओपन करते हैं। ओपन करने पे डेटा की साइज के अकॉर्डिंग आपको टाइम लगेगा। अब यहां पे शीट्स है, आपको शीट्स को उठा के ड्रैग करना है इस पे। हाँ। तो एक से ज्यादा सूट सीट भी यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन वो आपस में रिलेशनशिप होगा, रिलेट होगा, जैसे वीलुकअप होता है ना, उस तरह से रिलेट होगा। ओके। अब एक ही सीट के ऊपर चलते हैं। तो आप यहाँ इस सीट को लेके डेटा यहाँ पे क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो इस सीट की जितनी भी डेटा है वो डेटा आपको यहाँ पे आ जाएगा। और ये डेटा एक्चुअल में नहीं है, ये डेटा आपका प्रतिबिंब है, मतलब की प्रीव्यू है किसका, आपके एक्सेल फाइल। तो कोई चेंजिंग करना है तो एक्सेल फाइल में करें, यहां नहीं करें। डेटा जो होता है दो मोड में होता है, उसकी कनेक्शंस लाइव होती है या स्ट्रैक होता है। लाइव मतलब हुआ कि वो डायरेक्ट एक्सेल फाइल से कनेक्टेड है, स्ट्रैक का मतलब है कि ये अपने मेमोरी में उस डेटा को स्ट्रैक किया है, जैसे कि पिवट टेबल करता है। ठीक है। तो लाइव और स्ट्रैक में दिक्कत क्या है कि लाइव में हुआ कि अगर पिवट का एक्सेल फाइल का डेटा में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको यहां भी प्रॉब्लम होगा। स्ट्रैक में क्या होगा कि डेटा का प्रॉब्लम होगा तो जब तक आप रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम आपके पास नहीं होगा। ओके। जैसे भी आप, अब दूसरी चीज है कि आपको रिपोर्ट बनानी है फिल्टर डेटा पे, जैसे मुझे रेन का है तो फिल्टर में आप ऐड करके यहाँ पे अपने फिल्ट्रेशंस को ऐड कर सकते हैं कि भाई मुझे प्रोडक्ट में क्या चाहिए, तो रैम चाहिए। तो आपके पास तो डेटा विजुअल है, सिर्फ रैम का विजुअल है। अगर मैं इस सीट पे जाऊं और रिपोर्ट तैयार करूं, क्या सिर्फ प्रोडक्ट में रैम ही आ रहा है या कोई और भी आएगा? तो क्या होता है कि हम फिल्टर तो यहां भी लगा सकते हैं, बट यहां पे फिल्टर लगाएंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि हम केवल रिपोर्ट फिल्टर ही डेटा पे लगाए ताकि रिपोर्ट हमारा अच्छा खासा परफॉर्म करे। ठीक है। और इसमें और भी कैलकुलेशन वगैरह है, इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। तो हम डेटा कनेक्शन को पढ़ रहे हैं, मैं इस कनेक्शन को क्लोज करता हूं यहां से फाइल, और हमने यहां पे क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने से क्या हुआ, ये आपका सिर्फ एक जो आपका डीडी फाइल का कनेक्शन है वो क्लोज हुआ। सेव करना चाहते हैं नहीं या यस, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नो कर दिया। अब डेटा सोर्स में कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था इसमें, रिपोर्ट में पास आ गया। तो आप किस किस फाइल से कनेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ फाइल्स है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टेक्स्ट फाइल, जेसन फाइल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल, PDF, SPTR फाइल, स्टैटिकल फाइल, या इसके अलावा इस सारे सपोर्टिंग फाइल को आप लोड कर सकते हैं। ठीक है।
यस सर, सबका लोड करने का तरीका सेम ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में अलग अलग भी होते हैं। जस्ट कि हम नोट पैड की बात करें तो हम पैड डेटा बनाना पड़ेगा। तो यह हम ओपन पे आते हैं और हम डीबी फाइल को लेते हैं। इसी फाइल को हम इस पे नोट पैड पे जाते हैं। वन नाम का नोट पैड मेरे इस पे है, न्यू फोल्डर में दे देता हूँ, न्यू फोल्डर में। इसको टैबलो में कनेक्ट करना है, तो टेक्स्ट फाइल, और यहाँ देखिए वन आ गया, डेटा भी है वन भी है, दोनों कर सकता हूँ ओपन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका ये नोट पैड फाइल है टैब लिमिटेड। अब टैब लिमिटेड क्या होता है, अब ये चीज को भी देख लीजिए। अब मैं एक बार फाइल खोलता हूं इसकी, न्यू फोल्डर, मतलब कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में सेपरेटर है वो टैब का। लेकिन हमारे पास ऐसे भी फाइल होते हैं जो कि टैब लिमिटेड नहीं, कॉमा लिमिटेड होते हैं, जैसे नेम, नेम में कॉमा सिटी दिल्ली मार्क्स 55, नीरज कॉमा। तो क्या इस फाइल को करेगा, चलिए हम कनेक्ट करते हैं, हम कनेक्शन को क्लोज करते हैं, यहां कनेक्शन क्लोज करते हैं, नो डेटा सोर्स कनेक्ट टेक्स्ट फाइल और टू को सेलेक्ट करके ओपन कर। Okay, ले लिया। कुछ बोलना सर? हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो आपने देखा कि इसने कॉमा लिमिटेड फाइल और टैब लिमिटेड फाइल दोनों को इसने कर लिया। समझ आ गया टैब लिमिटेड क्या होता है, कॉमा लिमिटेड क्या होता है? हाँ हाँ, वो सेपरेटर के हिसाब से कर लेगा वो अपने आप। जी हाँ, यानी सर सेपरेटर में स्पेस बार होगा तो लेगा वो जी, कॉमा की जगह पे स्पेस होगा, कभी कभी ऐसा भी डेटाबेस आता है स्पेस को कैरेक्टर्स समझता है, टैब ओके टैब, यानी कोई वही वो होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए या तो टैब होना चाहिए। जी ठीक है, बाकी आप हाँ कर लीजिएगा। ठीक है ओके, अब मैं इसको क्लोज करता हूं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम एक्सेल फाइल को और किस तरीके से हम टेक्स्ट फाइल को लिखेंगे। अब यहाँ पे जेसन फाइल भी आता है हमारा। जेसन फाइल क्या होता है पता है आपको? नहीं सर। ये रहा जेसन फाइल। जेसन फाइल जो होता है आपका एक फाइल फॉर्मेट होता है जो जावास्क्रिप्ट की फाइल को, मतलब कि जो बड़े बड़े साइट्स हैं उनकी फाइल फाइल में इसका इस्तेमाल होता है। ओके हाँ ठीक है ना, और डेटा को स्टोर कर, जैसे एक्सएमएल थी ना पहले, तो एक्सएमएल के जैसा ही कुछ जेसन है, लेकिन जेसन ओके डिफरेंट है। ठीक है ओके, उसके बाद एक्सेस की फाइल, समझ रहे हैं? हाँ,
अब एम एस एक्सेस में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर, अब एम एस एक्सेस हमारा ये डेटाबेस है, मैं यहाँ ब्राउज पे जाता हूं और अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं। उसके बाद अगर डेटाबेस कोई पासवर्ड है तो पासवर्ड दे सकते हैं, सिक्योरिटी रूम है वो दे सकते हैं, नहीं है कुछ तो आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। और आपके एक्सेस में जो क्यूरी होगा, एक्सेस में जो आपका टेबल होगा, रिपोर्ट होगा, ये सारे आपके इससे कनेक्टेड हो जाएंगे। मेरी इस फाइल में शायद कुछ है नहीं, इस कारण से नहीं। हाँ। मैं एक फाइल बनाऊंगा फिर मैं इसको बता दूंगा। ओके ओके ठीक है ना, ऐसे और भी फाइल्स हैं। तो आप डिफरेंट फाइल्स को लीजिए और कनेक्ट कीजिए, ठीक है, उस पर सैंपल चार्ट वगैरह बना के देखिए, फिर कल हमें हम सर्वर के साथ कनेक्ट करना सिखाएंगे जो ऑनलाइन सर्विस ओके के साथ। ओके ओके।